हे ज्ञानी विश्वास रखो, शौच धर्म है। पलंगों पर चौक नहीं पुरते, चौक जब भी पुरते भूमि पर पुरते हैं। हे ज्ञानी जब तू सम्मेश करके यात्रा को भी जाएगा और मंगल घट दिखाया जाएगा तो पलंग से उतारोगे, जब पैर आप बाहर रखोगे तभी मंगल घट आता है और तभी कोई माँ मंगल गान करती है तो कभी कोई बहन तेरी चौक पूरती है कि मेरा भैया यात्रा को जा रहा है, मेरा भैया यात्रा को जा रहा है। इस सील की भगनी, इस सील की भगनी ज्ञानी हाथ में लिए चंदन कपूर है और केसर सिंदूर है, मेरा भैया यात्रा को जा रहा है, वो चौक पूर रही है। ओए ज्ञानी भक्ति का कलश लिए, भक्ति का कलश लिए मुक्त बधु खड़ी है द्वार पर कि तू चल तो चल, मैं अभी कलश लिए खड़ी हूं, तू निकल तो निकल पर पहले पलंग से उतरना पड़ेगा, पलंग से उतरना पड़ेगा। विश्राम किए को हुए को, विश्राम की हो कि वंदना नहीं होती है, चलते हुए की ही वंदना होती है। डायरियों पर नोट कर लेना, विश्राम करने वालों की वंदना नहीं होती है, चलने वाले चरणों की वंदना होती है। विश्राम करने वाले चरणों की वंदना नहीं होती है, वैद्य चरण करते हैं वे ही चरण पूजे जाते हैं। जो विश्राम करते भोगों के पलंग पर वे चरण पूजे नहीं जाते हैं, वे चरण ज्ञानियों पूजे नहीं जाते हैं, वे चरण प्रक्षालित नहीं किए जाते हैं। जो चारित्र की भूमि पर चलते नजर आते हैं वे ही चरण पखारे जाते हैं। किसी को गुस्सा आ रही हो, परस्पर में टूट टूट के गिरने वाले हो तो लबेंटा जी हाथ जोड़ लेना, हाथ जोड़ोगे तो टूटते हृदय जुड़ते हैं और त्रियोग जुड़ जाते हैं तो ज्ञानी बिखरे भगवान बन जाते। हाथ कह रहे जोड़ोगे नहीं, जोड़ोगे नहीं, अरुण भैया ज्ञानियों से कह देना मुमुक्षु जोड़ोगे नहीं तब तक जियोगे नहीं। जैसे काट की खाट से उतरना पड़ता है ऐसे ज्ञानी इस तन पिंजड़े से भी निकलना पड़ेगा। जब तन पिंजड़े से निकलना ही पड़ेगा तो इस पिंजड़े के पीछे पिंजड़े क्यों तैयार कर, पिंजड़े के पीछे पिंजड़े क्यों तैयार कर रहे हो। पिंजड़ा टूटेगा, पिंजड़ा टूटेगा पक्षी उड़ेगा, जब टूटेगा ही पक्षी को उड़ना ही है तो इस सुंदर पिंजड़े को क्यों निर्मित कर रहे हो। ये तन पिंजड़े में चेतन पक्षी बहुत दिन से विराजा है पर भूल गया था अपने देव को और सोच रहा था मैं तो पिंजड़े का कैदी हूं, पर मनुष्यों ध्यान दो आप पिंजड़े के कैदी नहीं हो, आप तो ज्ञानी परम देव हो। जितना अनर्थ आपसे हो जाता है उसका कारण क्या है, जितना अनर्थ आपसे हो जाता है उसका कारण क्या है। विश्वास रखना भैया, घर में गुस्सा भी आ जाए और कोई निर्णय करने के पहले पहले ठंडे हो लाना फिर निर्णय करना। जो बेग में आवेग में निर्णय करते हैं वे विवेकहीन होते हैं। आवेग में विवेक कहाँ और विवेक में आवेग कहाँ। गृहस्थी के निर्णय भी करना हो ना तो पंडित जय कुमार जी इन मुमुक्षुओं से कहना बेटा विवेक लाओ पहले फिर निर्णय कर लेना, आवेग में कोई निर्णय नहीं करना। फिसलन कब होता है, तेज गाड़ी चलती हो ना एक एक ब्रेक भी लगा दो तो ज्ञानी कंट्रोल नहीं रहता ना, नियंत्रण नहीं रख पाते हो, यही परिणामों के साथ होता है। कहीं गुस्सा आ रही हो ना ज्ञानी मौन ले लेना,
मेरे दो तीन बातों ध्यान दो, हमारा पुण्य हमारा पाप मुझे समझ में आता है, आपको आता है कि नहीं? ठीक। जब एक चावल माँ देखती, क्यों माताओं खीर बनाई कि नहीं आता? खीर खीर महरी नहीं खीर। जब हंडी में एक चावल देखते हो तो आप ज्ञात कर लेते हो कि अब, जब तुमको समझ में आने लग जाए हमारा काम बिगड़ रहा है तो काम बंद करके भगवान का ध्यान करो, जिद मत पकड़ो, ध्यान करो, समय अच्छा नहीं चल रहा है। और अशुभ दिनों में किसी मित्र के द्वारे पर नहीं जाना सुमित, क्योंकि उसका दोष नहीं, दोष हमारा है। हमारा अशुभ समय आ जाए ना, मित्र के द्वारे पर नहीं जाना, गुरु के पास जाना, प्रभु के पास जाना। क्यों नहीं जाना मित्र के द्वारे पर? भैया वो पहले जानकारी ले लेता है, इनका समय ठीक नहीं चल रहा, अब ये कछु मांगवे आ जाए, वो ताला डाल देता द्वारे पर। मैंने देखा आंखों से, सबके दिन एक से। अशुभ दिन के समय किसी से सहयोग लेने नहीं जाना, बस जितना है शांति से बैठ के भगवान का भजन करना, विश्वास रखना ज्ञानी, समय बदलते देर नहीं लगती। अच्छे दिन भी बदलते हैं, बुरे दिन भी बदलते हैं, इसलिए अपन को धैर्य नहीं छोड़ना, विवेक के साथ काम करना, आवेग के साथ नहीं, विवेक के साथ करना। क्यों? कर्मों ने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, छोड़ा क्या? ऋषि यति मुनि कोई नहीं छूटे कर्मों से, वो छूट गए होते तो संसारी कैसे होते? इसलिए अपन को धैर्य रखना, धैर्य रखना। सबका समाधान समय होता, क्योंकि आपने देखा होगा मसले घोड़े पर, मसले घोड़े पर सवारी करना चाहते हो तो ज्ञानी ध्यान रखो, पहले पीठ पर नहीं बैठते हो, पहले उसके मुख में लगाम लगाते हो। मसले घोड़े पर पहले पीठ पर नहीं बैठना पड़ता है, पहले मछले घोड़े पर लगाम लगाना पड़ती है। बस ज्ञानियों ध्यान रखो, इस मन घोड़े पर, इस मन अश्व पर लगाम नहीं लगाओगे और बैठ जाओगे तो ज्ञानी नरक के गड्ढे में गिर जाओगे, और इस मन अश्व पर संयम की लगाम लगा दोगे तो ज्ञानी तुमको ये शिव नगर की ओर ले जाएगा। आपको गाड़ी ने पटका है कि आप गाड़ी से गिर गए हो? हे मुमुक्षो, गाड़ी नहीं पटकती, तेरी असावधानी गाड़ी से गिराती है। मन किसी को गड्ढे में पटकता ही नहीं है, मन तो सवत की ओर ले जाता है। जो मन को मचलते देख करके संभाल नहीं पाता है वो गड्ढे में गिरता है। पर की कन्या के पीछे माँ के कटोरे को मत भूल जाना। ये तन तेरा जो इतना बड़ा दिख रहा है वो पर कन्या के संयोग से नहीं बड़ा है, ये माँ के कटोरे के दूध से भरा है। माँ के कटोरों को गिरते मैंने देखा। ज्ञानी सबके दिन एक से, पर जिनने कटोरा फेंका था वे आज कटोरा लिए घूम रहे। भैया विश्वास रखना, जिनने कटोरा माँ का उल्टा दिया था, दूध भरा, वे आज कटोरा लिए घूम रहे। हे जबलपुर की मुमुक्षु आत्माओं, ये माँ जिनवाणी कटोरा भरे रखी है और भेद विज्ञान का पंखा हिला रही है, मेरे लाल आके पी जाओ। और ये तुमने जिनवाणी के कटोरे को उल्टा कर दिया, हे सपूतो, तो कटोरे लेके ही घूमोगे लेकिन दूध नहीं पी पाओगे।